अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। कल किस नाम से बनाई थी कंपनी? अच्छा न्यू नहीं बनाई थी। ठीक, इसमें हमने आपको बताया पेरोल इनको पेरोल वाउचर से टीचर्स को सैलरी देना। आप जब यहाँ से पेरोल वाउचर में टीचर को सैलरी देते हैं, इसमें आप लीव और एक्सटेंड का अमाउंट माइनस करते हैं। अपन कैसे करते थे, जब आप यहाँ पे वाई प्रेस करते हैं पेरोल वाउचर से आप टीचर को सैलरी देते थे। अगर आप कैश देते हैं तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, कैश। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बैंक, अपन ने यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया। जैसे आप यहाँ पे शिवम को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे हैं आपने माना 8,000। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है 8,000। यहाँ पे 16,000 इसलिए बता रहे थे कि अपन ने 8,000 पहले दिए। ठीक, अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं, आप इनका लीव का अमाउंट माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे लीव। लीव लेने पे आप इनका कितना अमाउंट माइनस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको पहले का भी बता देता है। बता रहा पहले कितना माइनस किया था, 258। पिछले मंथ इन्होंने एक लीव दी थी, अपन ने यहाँ पे 258 रुपये माइनस किए थे। अब जैसे माना इस मंथ में इन्होंने एक लीव ली है, आप लीव लेने पे 8 दिन का अमाउंट माइनस करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करते हैं, अमाउंट कितना है 8,000। कितने दिन की सैलरी माइनस करना है, 8 दिन की। आप क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं मंथ के डे, एंटर करते हैं, 8 दिन की सैलरी आ जाती है। अरे यहाँ पे 258, आपने यहाँ पे लिखा 258, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट माइनस हो गया, फिर आपने एंटर किया। अब आपको इनका एबसेंट का अमाउंट भी माइनस करना है। अब जैसे माना पूरे मंथ में 1 दिन एबसेंट है, और एबसेंट लेने पे आप क्या रूल है, 2 दिन की सैलरी माइनस होती है। तब आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे बता, अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तब आप क्या करेंगे, बेसिक सैलरी जो सैलरी रेट लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं मंथ के डे, और मल्टीप्लाई करते हैं 8 दिन एबसेंट होने पे कितने दिन की सैलरी माइनस कर रहे हैं। 2 दिन की कर रहे हैं 2 से, 3 दिन की 3 से, अपन 2 की कर रहे हैं 2 से, एंटर करते हैं, यहाँ पे अमाउंट आ जाए 516। एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जब अपन को माइनस करना होता है, आप यहाँ पे निकालते हैं, एक एक का आपको निकालना पड़ता है। अब अगर आप दूसरे टीचर को देंगे तो दूसरे का आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जरूर नहीं है सब एम्प्लॉय सैलरी सेम हो, सबकी अलग अलग रहती है। आपको यहाँ पे सबका एक एक का निकालना पड़ेगा। और अभी तो अपन ने यहाँ पे निकाला है पूरे मंथ में इन्होंने एक लीव ली है, एक एबसेंट। अगर ये 2 लीव लेते हैं या 2 से ज्यादा लीव लेते हैं या एबसेंट हो जाते हैं, तब आप इनका टोटल कितना अमाउंट माइनस करेंगे आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक, अभी अपन इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक्सेल में सैलरी लिस्ट बना के रख लेते हैं, जिसमें से आपको क्या करना रहता है, फिर अमाउंट माइनस करना होता है। अपन इसे मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे मैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी। सीरियल नंबर के लिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, एंटर करके 2 लिखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करना, डॉट पे जाके आप इसे यहाँ पे ड्रैग कर देना, सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय के नेम, आप लोग के नाम ही डाल दो। ठीक, आप यहाँ पे इनके नाम टाइप कर देंगे, फिर आप यहाँ पे डाल दें बेसिक सैलरी। जैसे माना इनकी बेसिक सैलरी 8,000। बेसिक सैलरी क्या रहती है, जो एम्प्लॉय की पहले से डिसाइडेड रहती है किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना हो। माना इनकी है यहाँ पे 5,000, दोनों की लिखते ना यहाँ पे, माना इनकी ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे इनकी सैलरी टाइप कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे निकालना है टोटल प्रेजेंट, पूरे मंथ में एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है। इसके लिए आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लो और डॉट पे जाके ट्रैक कर देंगे।
अगर मंथ में 31 दिन है तो 31 30 है तो 30 है। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर ली, अब यहाँ पे आपने डेट डाल ली 1 तारीख 2 तारीख, 31 दिन है तो 31 तक। अगर आप इसके ऊपर बीच नेम भी डालना चाहते हो तब आप क्या करेंगे, वन पे क्लिक करना, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे डालना मंथ नेम, सॉरी वीक नेम, ठीक, आप पहले सिलेक्ट करना और डॉट पे जाके आप इसे ड्रैग कर दो तो यहाँ पे वीक नेम टाइप हो जाएंगे। इतना आपने यहाँ पे कर लिया। अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय की प्रेजेंट डालना, जैसे माना ईसा नाम की एम्प्लॉय 1 तारीख को प्रेजेंट थी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन, ठीक है। अब ये भी प्रेजेंट थी, जो एम्प्लॉय प्रेजेंट उनके लिए आप क्या लिखते थे, वन। अब जैसे माना ये 1 तारीख को लीव लेती है, मान रहे ठीक है, मानते ये 1 तारीख को लीव तो लीव लेने पे आप 1 दिन की सैलरी माइनस करेंगे। अब 1 दिन की सैलरी माइनस करने आप यहाँ पे लिखेंगे एल, ठीक है, क्योंकि 1 दिन की सैलरी माइनस करना है। अब जैसे माना ये एबसेंट थी, ये लीव पे थी, तो आपने क्या लिखा एल, क्योंकि लीव लेने पे 1 दिन की सैलरी माइनस होती है, एबसेंट है, और आपके रूल है एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस होगी, तो आप यहाँ पे लिखना माइनस वन, ठीक। इस टाइप से आपने यहाँ पे ये टाइप कर दिया। अभी अपन क्या करते हैं, पूरे में वन लिख के इसे ड्रैग कर देते, लेकिन सिर्फ अभी, लेकिन जब आप कहीं पे वर्क करते हैं वहां पे आप इस टाइप से ड्रैग नहीं करते, वहां पे आप क्या करते हैं, जैसे अपन ने फिल किया यहाँ पे एज एक एम्प्लॉय का, वैसे ही आप यहाँ पे पर डे का फिल करेंगे। अभी अपन पूरे में वन लिख के इसे ड्रैग कर देते। अब जैसे माना अभी आपने यहाँ पे वन लिख लिया, अभी ये जो आपकी एम्प्लॉय थी ये 4 तारीख को लीव पे है, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये एब्सेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस वन, जो एम्प्लॉय प्रेजेंट है उसके लिए वन, अगर लीव ली है और आपके रूल है लीव लेने पे 1 दिन की सैलरी माइनस होती है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, एल, एब्सेंट है तो एब्सेंट होने पे 2 दिन की माइनस हो रही है, तो माइनस वन, अगर एब्सेंट है तो माइनस वन, लीव ली है तो एल, लेकिन अगर आपके ऐसा रूल है एब्सेंट होने पे 3 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, तब आप यहाँ पे लिखना माइनस टू। अब आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे ये कॉलम बनाया, कॉलम का साइज बड़ा है, आपको छोटा करना है, आप क्या करेंगे, ई पे क्लिक करना, ये कॉलम की हेडिंग है, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ राइट वाले डायरेक्शन की आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप किसी भी एक कॉलम का साइज छोटा करेंगे, ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे सब कॉलम का साइज छोटा हो जाएगा। कितना कर लेंगे आप देख रहे हैं इन एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 8,000। अब आपको यहाँ पे निकालना है पूरे मंथ में ये प्रेजेंट कितने दिन है, इसके लिए आप इक्वल लाते हैं एस यू एन सम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, इस पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट वाले डायरेक्शन की आप प्रेस करना, पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा, पहले 1 पे क्लिक करना सेल एड्रेस आ जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ राइट वाले डायरेक्शन की पूरा सेल एड्रेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे और एंटर, फिर यहाँ पे निकल आएगा पूरे मंथ में कितने दिन प्रेजेंट है। एक आप ये कर सकते हैं कि कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की प्रेस कर लें, सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं एस यू एम सम शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, आप इस पर क्लिक करके माउस से ही आप यहाँ पे पूरा सेल एड्रेस सिलेक्ट कर लें, ठीक, अगर आपसे माउस से हो जाता है माउस से, वरना कीबोर्ड की हेल्प से, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट आ जाएगा। अब आप इस पे क्लिक करके इसे ड्रैग कर दें, देखिए निकल आया यहाँ पे। अब कैसे माना ये जो एम्प्लॉय थी 2 तारीख को एब्सेंट थी, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 30 दिन है, क्योंकि इन्होंने 1 दिन लीव ली, लीव लेने पे 1 दिन की सैलरी माइनस हो रही थी, अभी ये 2 तारीख से एब्सेंट है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस वन, जैसे ही आप एंटर करेंगे 2 दिन कम होंगे, क्योंकि एबसेंट होने पे 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, तो यहाँ पे 2 दिन कम हो जाएंगे। अब इनकी सैलरी है 8,000, तो ये प्रेजेंट कितने दिन है, 30 दिन, यानी सैलरी कितने दिन की मिलेगी, 30 दिन की। अब आप क्या करेंगे, डी पे क्लिक करना, राइट क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आप इसे यहाँ पे नाम दे दो